So we'll have a picture together. Everyone together. Sir, what's up, closer? What's up, yeah, Joe? What's up? Oh, boy. सर इधर सर ज़्यादा लोग उद्योगपति मुंबई में ऐसे अच्छे काम करते रहें तो ग्लैमर का कोई मकसद रहेगा, ग्लैमर विल बी मीनिंगफुल। और मैंने सुना जेनेलिया डिसूजा भी शो स्टॉपर है, रैंप वॉक करने वाली है, तो आप उनके बारे में कुछ बताना। जेनेलिया बहुत ही खूबसूरत है और एक दोस्त है, बहुत अच्छा उनका नज़रअंदाज है और जिस ढंग से वो अपने पोशाक को कैरी करती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मुझे लगता है कि कपड़े हो या ज्वेलरी हो, जेनेलिया इज ऑलवेज द राइट चॉइस। सैना जी, आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जैसा कि हमने देखा बॉर्डर पर फायरिंग हुई, हमारे तो शहीद जवान भी शहीद हुए, तो आप कितना मानती हैं कि कितना उचित और जिस तरह से कुछ पॉलिटिशियन का ये बयान है कि वो उनका काम है शहीद होना, तो वो होंगे? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। हमारे जवान हो, सूबेदार हो,
जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो शहीद होते हैं, उनका जो मार्टिरिज्म है, जो हम एहसास नहीं कर सके कि उन्होंने क्या त्याग किया है हमारे देश के लिए, तो बहुत ही अफसोस होगा। और जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट को एग्जिस्ट, वी नीड टू गिव अ बीफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान एंड अ यूनाइटेड वन। ये तू-तू मैं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब आतंकवाद को भी एक जवाब दें और पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर बात इन दिनों क्या कुछ कर रहे हैं आप, क्या कुछ प्रोजेक्ट क्या कुछ बताना चाहेंगे? HVK ज्वेलर्स उत्तराखंड को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई कर अपने अपने तरफ से काम ज़रूर करते हैं, करते जाएं, क्योंकि तब समाज मजबूत बनता है और तब समाज जो है एक ताकतवर शक्ति बनती है। As long as the show doesn't get disturbed. Thank you. Roll. So, Naj sir, kya show dekhne aaye hain, to kitna excitement hai aur देखिए मैं यही कहूँगा कि परेश भाई जो है यहाँ पे मेरे बहुत खास दोस्त हैं और ये बहुत मेहनती आदमी है। हमेशा हर कोई डिज़ाइन या फैशन शो में इतना मेहनत लगाते हैं कि हम सोचते हैं कि इसके डिज़ाइन शायद पूरी दुनिया भर सब लोग देख लें और आजमाना चाहिए, क्योंकि ये फैशन है, फैशन वर्ल्ड है। अभी आपको पता ही है, सबको ज्वेलरी कपड़े बहुत ही पसंद है, फैशन की दुनिया बहुत चलती है। तो मैं समझता हूँ कि परेश भाई ऐसे कारनामे दिखाए हमें आज के, हमें भी हम खुश होके निकलें।